सरकार ने इंदिरा आवास योजना बनाई है ताकि गरीबों को रहने के लिए पक्का मकान बन सके, परंतु बड़े अफसोस की बात है कि जौनपुर जिले के रामनगर ब्लॉक के बसीरपुर ग्राम सभा में गुलालपुर पुरवा के मिश्रित बस्ती में बसंती सहित लगभग 60 परिवार के लोगों को इंदिरा आवास न मिलने से काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यह परिवार का खर्चा का चलाता जान हुआ मजबूरी करता भाई ननौटी आज हो गया करीबन 15-20 साल। आपकी आवास मिला बा? नहीं। बीपीएल सूची में नाम है आपका? नहीं। आवास बिना आप प्रधान से या कहीं बात कर रहे हैं? हाँ, प्रधान से बात कर रहे, अभी तक ये आवास जान हो कि नहीं मिलल बा। आवास न मिलने से क्या समस्या बाटे? यह समस्या बा कि घर द्वार गिर गल बा, पत्तरा में हमसे विवाही, कुछ मड़ई बगल में बा, मड़ई धरे ही मड़ई में बाही, यह समस्या बा। पानी में अपन लड़का लेके कैसे बितात भाई? आप अपन खुद का आवास काहे नहीं बनवाई? तो हमारे पास का बा, न घर बा, न द्वार बा, न खेत बा, न कियारी बा, न कोई कमाई बा। मन से दुआ विकलांग पर बहन मड़ई में एक लड़का विकलांग जन हो कि होटल पर अपन काम करत हैं, कौन प्रकार से थोड़ा बहुत गिलास बर्तन अपन धोत हैं। आपके आवास मिला बा? नहीं। आवाज बिना प्रधान से या ब्लॉक पर कहीं सिक्रेटरी से कहे हैं? कहा के तो जगह जगह जानकारी मिली कि इंसान आयल हन, ई काम करत हन, हे बनत हा, हाउ बनत हुआ हुआ, तो हमने गलत एक बार का हजारों बार कहे भाई, लेकिन कौनो सुनवाई बटला नहीं बा। तो आवाज न मिले से का समस्या होता? अरे समस्या ये बा कि घर द्वार ना बचुआ था, बहाता गिरता बारिश में, आप अपन झोपड़ी झोपड़ा में बिताओ पड़ता बा सबका। आप अपन खुद का आवाज़ कहीं नहीं बनवाई? आप खुद का आवाज़ कहाँ से बनवाई हैं? 10 रुपया कमाई बा, 150 में आवाज़ बनी, उतने में अपन पेट पाली, लड़का बच्चा जी आई खी आई कि घर बनवाई टेक। इस वीडियो को देखने वाले आप सभी दर्शकों से हमारी अपील है कि जौनपुर जिले के रामनगर ब्लॉक के वीडियो के मोबाइल नंबर 9454-46-5277 पर कॉल करके आप हमारी मदद करें। मैं उषा पटेल, जौनपुर जिला के उत्तर प्रदेश, इंडिया नहर के लिए।